उसने ये बंदूक छिपाई? क्या वे जगमाल थे चेतक? जगमाल है वे, जिन्होंने हमारी रानी माँ को गोली मारी। ताला। चुपचाप यहां पड़े रहो, समझे? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा अनाज क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अरे मेरा अपराध तो बताइए पहले। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारे दुकान को? मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। अरे मत कीजिए ऐसे। ये यहां कैसा है? ये मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? हमने पूछा किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो फिर ये बंदूकें कहां से आई? मुझे स्वयं को नहीं पता कि ये बंदूकें यहां कैसे आई। तुम्हारी खाल उधेड़ने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहते। सीधी तरह से बताते हो या नहीं बताओगे? ना तुम नहीं बताओगे ना तो ठीक है, अब हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे जिनके आगे बड़े बड़े अपना मुंह खोल देते हैं और सच भी पानी की तरह बहने लग जाता है। चलो, कुंवर जगमाल को हमारी आवश्यकता है। कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप हमें बचा लीजिए। कहीं वही तो नहीं जिनके बारे में सोच रहा था? हाँ, ये वही है। और अब इनके सामने सब कुछ सच सच बोल देना, नहीं तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। क्षमा श्रीमान, क्षमा क्षमा। कुंवर प्रताप ये वो है जिस... मैं एक राजकृता हूँ छोटा सा श्रीमान। क्या ये बंदूक आपकी है? किसे बेची आपने इसे? आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। ये व्यक्ति हमें मेवाड़ में दिखना नहीं चाहिए। दादा भाई, दादा भाई, रानी माँ को क्या हो गया? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई, अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब से हम यही छुपके बैठे। Jackpot!
धन्यवाद। जगवाल मुझे लगता है दादा भाई को पता चल गया। जगवाल दादा भाई मान 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 कक्ष के द्वार बंद कर दो, मान बाहर से ताला लगा दो। हम मर्दा नहीं चाहते मान, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लीजिए। हम मर्दा नहीं चाहते मान। जगवाल बाल दादा भाई, कक्ष का ही द्वार भी आपको अब नहीं बचा सकता, तो हमें कहीं शीघ्र ही छुपा दीजिए ना मान। देखो तो दादा भाई हमें मार डालेंगे, और हम मरना नहीं चाहते मान, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए मान, हम मरना नहीं चाहते। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब आपके लिए बचने का एक ही साथ का मान। चलिए हमारे साथ, चलिए। नहीं मान, हम कह रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ। दादा भाई हमें देख लेंगे मान, मान नहीं मान, दादा भाई हमें ढूंढ रहे मान। जगमाल आपको इस समय कक्ष में नहीं जाना चाहिए, छोटी माँ विश्राम कर रही है। अरे हमें रानी माँ की चिंता नहीं है, हमें हमारी चिंता पड़ी। जगमाल बाल ये आप यहाँ से, जगमाल बाल वो जगमाल कुछ नहीं होगा आपको, हमें तो कुछ नहीं होगा। जगमाल बस आ सकते, अब कुछ नहीं। रानी माँ मैं बचा लीजिए, रानी माँ कुछ नहीं होगा, आप यही छुपे रहे। प्रताप रानी माँ को मारा। नहीं दादा भाई, हमने नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। मान हमें बाहर ले जाइए, कुंवर प्रताप के पास। आप इस समय बहुत अहमल है, आप नहीं खा सकती, हमने हमें बाहर ले जाइए, अभी ले जाइए। नहीं, नहीं, कुंवर जगमाल
छोटे भाई था। दादा भाई नहीं, नहीं दादा भाई। नहीं दादा भाई, हम जीवन भर आपके चरणों में रहेंगे दादा भाई, हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। आप ऐसा पाप हमसे मत करवाइए। नहीं मां, याद है मान, हमने आपसे एक बार कहा था कि मां सिर्फ प्राण देना जानती है, लेना नहीं। आज आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। एक बेटे ने बहुत ही क्रूरता से अपनी मां की छाती पर गोली मारी और जब बेटे को चोट लगी तो मां का हृदय कराने लगा। अपनी असहनीय भीषण पीड़ा को भुलाकर आ गई बेटे को बचाने। दादा भाई, हमारी माँ भी आपके बताए आदर्शों वाली माँ ही है, किंतु केवल अपने बेटे के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं, 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 नहीं। तब से खड़े खड़े देख रही थी, पहले पहले आने नहीं हुआ, मार मार के हड्डियां तोड़ दी हमारी, और अब तो कोई वैद्य चिकित्सा भी नहीं करेगा ना हमारी, क्योंकि उनके चहेते कुंवर प्रताप ने जो मारा है हमें, हो गया पूरा आपका बदला। अब दूर हो जाइए हमारी दृष्टि से, मुख भी नहीं देखना चाहते हम आपका। हमने कहा जाइए, नहीं आना है हमें, आप अपने दादा भाई के पास रहे, इन्हें अधिक आवश्यकता। दादा भाई, अकेला छोड़ दीजिए हमें। चाहते कुंवर प्रताप हमें बचा लीजिए, हमें आ,
हम जानते हैं कुंवर प्रताप, रानी माँ बहुत सबल और सहनशील है, वे बच जाएगी इस संकट से। हो गए हम पागल, पागल। लेकिन हमें पागल बनाया किसने? किसने? आपने हमें पागल बनाया सपने दिखा के। आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छा, हमारे सपनों के साथ। छोटी माँ, आपका कक्ष के बाहर क्यों आई? बेटी ने आपसे विश्राम करने के लिए कहा है ना? दासी, कोई है? दास, क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए? इतने बलिदान, इतने त्याग, इतना स्नेह किया, अपने आप से अधिक प्रेम किया। आप जानते हैं छोटी माँ, कुछ नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं जानती आप। रात रात भर जगे, रात रात भर उनकी चिंता की है। आप नहीं जान सकते क्या कुछ किया है हमने जगमाल के लिए। आज हमने हमारे जगमाल के लिए खीर बनाई। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? छोटा, अपनी रानी माँ के लिए। जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। उनके लिए वो सब किया जो पूरी दुनिया में कोई मां अपनी संतान के लिए नहीं करेगी। इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहां तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, छोटी मां, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी मां, क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए? इतना स्नेह दिया, अपने आप से अधिक प्रेम किया, इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहां तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, छोटी मां, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी मां, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आप गिरने वाली थी तो हमें दौड़कर आपको पकड़ने आना पड़ा। वैसे भी हम कुंवर प्रताप के लिए जल लाने जा रहे थे। जाइए, जब तक जहां जा रही थी वहां जाइए। कुंवर प्रताप को आपकी आवश्यकता? नहीं छोटी माँ, पहले हम आपको आपके कक्ष में छोड़कर आएंगे। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, आप जाइए।
राधि आप हमें मार दे आइए। हम तो आपके आपके पुत्र है ना, आपकी संतान, आपने जन्म दिया है ना हमें, तो आप कैसे मार सकती है हमें? हमें मत मारिए नहीं राधिमा, हमें क्षमा कर दीजिए राधिमा, हमें मत मारिए। हम आपसे बस इतना कहने आए हैं, हम आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपको चाहकर भी नहीं मार सकते। आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कुंवर जगमाल। यदि हमको मार के आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये लीजिए छुरी, मार दीजिए हमें, समाप्त कर दीजिए अपनी रानी माँ को। उठिए कुंवर जगमाल, उठिए। हमें की बात का भय है कि हमें मारने के साथ साथ आप उन सारे सपनों को मार देंगे जो हमने साथ देखे थे कुंवर जगमाल। आपका मेवाड़ नरेश बनना, कुमार प्रताप का विनाश, ये सब कुछ। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है ना? हम जानते हैं हमें क्या करना है और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम। यदि आप हमें मार देंगे तो कुंवर प्रताप आपको दूसरा अवसर नहीं देंगे। हमारी आपसी झगड़े में आपको दंड देने का अधिकार आप उन्हें क्यों देना चाहते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के लिए हमारी घृणा किसी रक्त संबंध से अधिक गहरी है। क्षमा कर दीजिए राधिमा, हम बहुत ही लज्जित हैं, हम तो आपके क्षमा के भी योग्य नहीं है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं राधिमा। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि हम इतने कुंठित क्यों हो गए? क्यों हमें अपनी रानी माँ के विरुद्ध बंदूक तानी पड़ी? हमने क्या किया कुंवर जगमाल? क्योंकि हमारे इस अधोपतन की दोषी आप और आपके प्रिय पुत्र कुंवर प्रताप हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सबसे प्रिय हैं हमें। नहीं रानी माँ, आप ये सब सिर्फ कहने के लिए बोलती हैं, जबकि सच तो ये है कि आप पुत्र प्रेम केवल दादा भाई से करती हैं। यदि दादा भाई भी होते ना तो भी हम उनसे चिल्ला चिल्ला के कहते कि क्या कि यदि दादा भाई यहां होते ना तो हम उनको भी कह देते कि कैसे सदा उनके कारण आप हमसे दूर गई है। जब जब हम अपने कक्ष में भूखे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे कि आप आके हमको कुछ खिलाएंगी, लेकिन आप तो दादा भाई की पसंदीदा खीर या उनके जीरा बख्तर सीने सिलाने में जुटी रहती थी। और इस सब में आपको यह भी नहीं पता चला कि आप केवल और केवल दादा भाई की रानी माँ बन रही है। हमारा क्या अपराध है रानी माँ? क्यों माँ होते हुए भी हमें दादा भाई के कारण हमेशा बिना माँ के बच्चों जैसा बचपन बिताने पे विवश होना पड़ा? क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल। एक बच्चे को बिना किसी अपराध के पूरे जीवन अपने माँ के प्रेम से वंचित रहना पड़े, और यदि वो प्रश्न उठाए तो उसकी माँ से कहती है क्षमा। हम जानते हैं कुंवर जगमाल, परंतु हम क्या करें? हम कुंवर प्रताप से इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि सब के कारण आपके मन में हमारे लिए पहले विराग
फिर कुंठा और फिर ऐसा शत्रु भाव कि आप सुमार्ग से कुमार्ग में भटक गए और अपनी रानी माँ पर बंदूक टांग दी। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी भूलों से हुआ है, परंतु आप इन भूलों का दोष अपने दादा भाई को मत देना। आप तो जानते ही हैं ना कि आपके दादा भाई का मन कुंदन जैसा है, उनके मन में सबके प्रति प्रेम है, अपने मन में आप उनके प्रति कोई कलुष मत आने देना, अपना व्यवहार मत बदलना, जितनी घृणा करनी है हमसे कर लेना, परंतु अपने दादा भाई से नहीं। हाँ रानी माँ, यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? जगमाल ने जो किया उस कारण को समझने की चेष्टा कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई जगमाल ने ऐसा किया क्यों, पर अब समझ में आया, अब पता चला कि ये सब हमारे ही कारण हुआ है। भाई जगमाल के इस अपराध के पीछे असली दोषी रानी माँ हम ही हुए ना? नहीं नहीं कुंवर प्रताप, जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तरदायित्व कुंवर जगमाल का है। आप दंड दे दें उन्हें। दंड तो इन्हें देंगे, अवश्य देंगे। नहीं नहीं दादा, किंतु ऐसा दंड होगा जो उनके भीतर के विष और कुंठा को निकाल के बाहर फेंक दे, इन्हें एक अच्छा और भला व्यक्ति बनाए। रानी माँ, बचपन में इन्हें माँ के स्नेह और ममता से वंचित रहना पड़ा, हम वो दिन तो वापस नहीं ला सकते। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है, हम स्वयं देखेंगे कि ये जीवन में सही मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने। नहीं दादा भाई, हम तो आपकी क्षमा की भी योग्य नहीं है, आपको तो हमें तभी मार देना चाहिए था। हम तो सचमुच आपको मार देते कि तो सही समय पर रानी माँ ने आके आपको बचा लिया। लेकिन इस सबसे क्या होगा कुंवर प्रताप, जब राणा जी को पता चलेगा तो? दाजी राज को कुछ पता नहीं चलेगा रानी मां, उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई जगमाल ने आपको गोली मारी। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, हमें अपने प्राण की राधी देना पड़े। ये कैसा वचन दे डाला आपने? अच्छा थे, अब यहां क्या कर रही है? हम आपको बताने आए थे कि ताजीराज दुर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। बंदूक छिपानी होगी। दादा भाई बचा लीजिए, दादा भाई। कुंवर प्रताप, अजब थे, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य जगमाल को बचाना है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, बंदूक को महल में रखना, इसे नए संकट को न्योता देना है। कुंवर प्रताप, इसे बाहर फेंक कर आते हैं। कुंवर प्रताप,
कुल प्रताप। कुंवर प्रताप, कितने बेचैन थे आपको देखने के लिए। कुंवर प्रताप, क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कुंवर प्रताप, और हमें उसका उत्तर चाहिए। वो हथियार जिससे शत्रु की आंखों में आंखें डाले बिना आक्रमण किया जाता है, उस हथियार को आज तक छुआ तक नहीं है हमारी पुश्तों ने। फिर आप तो शूरवीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई है इस कायरतापूर्ण हथियार की? यहां इस चित्तौड़ के महल में, जहां बप्पा रावल वीर सांगा की तलवारें रखी जाती हैं, वहां पर ये बंदूक क्या कर रही है? ऐसा कौन सा शत्रु पैदा हो गया है कुंवर प्रताप, जिसका सामना आपकी वीरता नहीं कर पा रही है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दीजिए। खंबागढ़ी, राजवैद्य जी, आप इस समय इस महल में कौन अस्वस्थ है? हाँ जी, ये वैद्य जी, हमने आपसे कुछ पूछा है, कौन अस्वस्थ है इस महल में, इसका उत्तर दीजिए। रानी माँ को गोली लगी। चेता चेता, रानी माँ को गोली लगी। किंतु अब कोई संकट नहीं है रानी सा के स्वास्थ्य को। और जी राजी है बाबू जी, विनती करते हैं आपसे, इस समय हमसे कोई प्रश्न ना पूछे। रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, हम देखभाल करेंगे ना आपकी। और हम करेंगे आपकी देखभाल। खंभागढ़ी महाराणा साहब मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ महारानी साहब, रानी जी ने कुंवर प्रताप के हाथों बंदूक देख ली है। तुम जा सकती हो यहाँ से। कुंवर जगमाल, आप जाइए, छुप जाइए कहीं।
जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि अर्थात ताजी राज को अभी तक कुछ पता नहीं चला। राणा जी, राणा जी, धीर भाई जी, संभालिए अपने आप को। जानते हैं राणा जी, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस पूरे संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं। व्यंग कर रही हैं आप हमसे धीर भाई जी। आपके अपने ही महल में आप पर कोई गोली चला देता है और आप अपने आप को इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बता रही हैं। जब हम जीवन और मृत्यु के बीच आंख में चूली खेल रहे थे तो हमने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि मरने से पहले आपके दर्शन हो जाए, और ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हम चैन से मर सकते हैं। कुछ नहीं होगा आपको धीर भाई जी, वैद्य जी ने भी हमें यही बताया कि कुछ नहीं हुआ है आपको। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच आप अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि भूल जाइए ये सब किसने किया। जैसे एक बुरा सपना, आंख खुली और बुरा सपना समाप्त। नहीं धीर भाई जी, जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था, और ना ही हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं। जिसने भी अक्षम्य अपराध किया है हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। धीर भाई जी, क्या आपने उसे देखा था जिसने आप पर गोली चलाई थी? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वे हम पर बंदूक नहीं चला सकते। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं धीर भाई जी कि वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ एक साधारण तलवार उठाने से कांपते हो, तो क्या एक बंदूक उठाकर आप पर गोली चलाएंगे? बंदूक उठाना तो दूर रहना चाहिए, वे आंख उठा के भी नहीं देखते हमें। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा? धीर भाई जी, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम इस आपराधिक दुर्घटना की गंभीरता से जांच करवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। कुंवर जगमाल, जब प्रताप ने हमारा सर तोड़ा था ना, तब भी हमें इतना चक्कर नहीं आया जितना चक्कर दाजी राज से आपकी बातें सुनकर आया। आपने तो दाजी राज के मन में उनके प्रिय बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रताप के लिए ही संदेह का बीज बो दिया। क्योंकि हमारा पुत्र निर्दोष है। निर्दोष है ना? हाँ, हम तो निर्दोष हैं। अपराधी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है रावत जी, हमारे परिवार में से ही कोई है।
आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं राणा जी? क्योंकि इस दुर्ग और इस महल की दीवारें आपकी देखरेख में है रावत जी, जिसे कोई भेद नहीं सकता। फिर भी राणा जी, जब तक ये जांच पड़ताल चल रही है रावत जी, जांच के समय आपको तटस्थ रहना होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तटस्थता पर विश्वास कर सकते हैं। जी राणा जी, हमारी जांच की तटस्थता पे आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। अति उत्तम रावत जी, हो सकता है कि जांच के समय हम भावनाओं में बहकर अपनी तटस्थता खो बैठे। उस समय आप ही हैं जो हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर बने रहने में सहायता करेंगे, और आपको ऐसा करना होगा रावत जी, क्योंकि जब हमें अपने परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ऐसा घृणित अपराध करने के लिए खोजना होता है तो वो कार्य सरल नहीं होता। राणा जी, आपको संदेह किस पर है? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। जब हमारे पति हमारे बच्चों के विरुद्ध न्यायिक जांच पड़ताल करें तो हमारा घाव कैसे भरेगा? रानी मां, आपसे इसी न्यायिक जांच के संबंध में बात करने आए। हम चाहते हैं कि आप हमें एक वचन दें। आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। तजीरा चाहे जितना भी और जैसा भी दबाव डाले आप पे, यहां जो कुछ भी हुआ है हम चाहते हैं आप अपने कुछ नहीं बताएंगे। आप चाहते हैं कि हम मेवाड नरेश से झूठ बोले, पर आप जानते हैं कि हमें कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। परंतु हम जानते हैं कि आपने जो वचन हमें और जगमाल को दिया है उसका क्या महत्व है। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। इसलिए हम अपने हृदय पर पत्थर रख के कोई ना कोई राह निकाल देंगे। शहंशाह, हमें आपसे अशद जरूरी बात करनी है। बयान हो। दरअसल शहंशाह, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मेवाड़ की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा अब हमें उसे माकूल जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ कोई कारगर तजवीज सोचनी पड़ेगी। जैसे जैसे मेवाड़ के पास पड़ोस की रियासतों में जो उससे खौफजदा हो, जो उससे नाखुश हो, उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और उन्हें आगे रख के प्रताप के साथ मुकाबले की कोई सूरत निकल जाए तो। ये कौन फिर प्रताप से मुकाबले की ख्याली तजवीजें सुना रहा है? बैरम खान, इतनी नाकामियों के बाद भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने अक से रश्क बना डाला। अब एक काम कीजिए, कोई ऐसा अक्स बनाए जो हमारे ख्वाबों को शक्ल दे। जी जहां बना। तो शहंशाह, हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी तजवीज करनी चाहिए जिससे मेवाड़ की फौज की हिफाजती कुव्वत पे चोट पड़े
कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रताप को मुसलसल उलझना पड़े और उसकी हमारे तरफ से तवज्जो ही हट जाए। मगर इसके लिए आपको शहंशाह की इजाजत की क्या जरूरत आन पड़ी? करिए जो करना है। वैसे जैसे ग्वालियर पर हमला बोला था बिना इजाजत के, चुप क्यों रह गए बैरम खान? आप तो चित्तौड़ भी गए थे ग्वालियर के भगोड़े राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। हुआ क्या, बेइज्जत होकर लौट आए वापस खाली हाथ? जब आपकी आदत ही पड़ चुकी है जो जब दिल में आए उसे कर डालने की, तो आज अचानक शहंशाह से इजाजत लेने की या फिर उनसे सलाह मशवरा करने की ज़हमत का ख्याल कहां से आ गया? बराए मेहरबानी आप अपनी औरताना अकल को मर्दों के मामलात में ना ही डालें तो बेहतर होगा। अरे हम यहाँ शहंशाह के साथ मशवरा करके कोई ऐसी तजवीज बनाने में जुटे हैं जो किसी सूरत नाकाम ना हो, और आप हैं कि मुआफी दे दीजिए हमें, गलती हो गई हमसे, क्योंकि चित्तौड़ से अभी अभी नाकामी और जिल्लत का जो तोहफा साथ लेकर आ रहे हैं आप, उसकी शर्म को छुपाने के लिए शहंशाह से बेफजूल की खामखा की बातें बना रहे हैं आप। मामंगा, अपनी औकात में रहो तुम। अजीराज, कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए। ओ न्यायाधीश, जो न्याय प्रक्रिया के समय सत्य के अतिरिक्त और किस चीज पर ध्यान ना देने के लिए जाना जाता है, आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए हैं। इससे पहले कि हमारे हाथ मर्यादा के हाथों विवश हो जाएं, अगर आपको लगता है कि आपके पास हमें बताने योग्य कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। कौन किताब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? दाजीराज, आपने एक न्यायाधीश के रूप में सदा धर्म का मार्ग ही चुना है, फिर आज किसी के भी संग इतना अतिरिक्त स्नेह क्यों दिखा रहे हैं आप? किंतु कुमार प्रताप, क्षमा कीजिए, आपको दरबार में मिलते हैं। ठीक है कुमार प्रताप। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो, कोई दो चार बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो, तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। और सच बात तो यह है महामंगा कि अगर खुदा का खास्ता तुम अभी अल्लाह को प्यारी हो गई तो यकीन मानो ना ही जलाल को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सल्तनत को, समझी तुम? और हां, अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती, मगर अफसोस आप तो इस लायक भी नहीं है। आप तो महज अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मग़रूर और बेग़ैरत औरत है। बैरम खान!
क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? आईने में आपको आपका असली अक्स दिखा दिया तो तन बदन में आग लग गई। जलाल, जलाल आप सुन रहे हैं ना, ये हमसे क्या क्या कह रहे हैं? आप जाएं अम्मी जान, खान बाबा मुगल सल्तनत के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई इस महल में चुपचाप बंदूक जैसा जानलेवा हथियार लेकर आता है और चित्तौड़ की महारानी धीरबाई पर गोली चलाता है। अपराधी जो भी है इस महल में उपस्थित जनों में से कोई एक है। किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। अपराधी जो भी है उपस्थित जनों में से कोई एक है। किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। क्योंकि बंदूक हमें इनके पास मिली थी। किंतु मात्र इस बात पर हम कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दाचीराज, आपको निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में अपराधी हम हैं। हाँ दाजीराज, रानी मां पर दुर्घटनावश गोली हमसे ही चली। मान, पर हमें तो यही सुनने में आया कि आप भय के मारे छैया के नीचे छिप गई थी और जब तक दुर्घटना चली आप वहीं पे छिपी हुई थी। नहीं छोटी माँ, वो हम भयभीत हो गए थे अपराध करने के बाद, हम वहां छिप गए थे। मान बस वीर भाई जी, तो मान कंवर आप कहना चाहती हैं कि गोली आपने चलाई? जी दाचीराज। अच्छा हमें ये बताइए कि ये बंदूक आपके पास आई कहां से? ये बंदूक कहां से? दाजीराज, शस्त्रागार से मिली हमें। झूठ बोल रही हैं आप मान कंवर। अगर हम इतने महत्वपूर्ण जघन्य अपराध की जांच नहीं कर रहे होते तो आपको दंड देते झूठ बोलने के लिए। क्षमा चाहते हैं दाजीराज। सच तो ये है राणा जी, गोली हमने चलाई थी। हम जब कुलदेवी के मंदिर से लौटे तो हमारा मन उनके प्रति द्वेष से भर गया था।
तो बस हमने गोली चला दी। हम जब से इस महल में आए हैं उन्होंने सदा ही हमें अपमानित किया है, और जब ये सब असहनीय हो गया तो हमने अपने दादा के जानकार से बंदूक मंगाई और चला दी गोली। इस अपराध के अपराधी केवल हम। वाह वीर भाई जी, क्या कथा घड़ी है आपने। अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो आपकी ये कथा सच भी लगती है, किंतु एक बात कहें आपसे, ये कथा बुनते समय आप एक बात भूल गए। हीर भाई जी को गोली लगना और उनके चिकित्सा होने के बाद आप कुलदेवी के मंदिर से इस महल में आई थी। याद है आपको? किंतु राणा जी, हीर भाई जी, दुर्घटना के समय इस महल में कौन कहां था और कौन नहीं था, इन तथ्यों का पहले ही पता लगवा चुके हैं रावत जी, और इन सभी तथ्यों को हमारे समक्ष सत्यापित भी करवा चुके हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। नहीं आ जाते, आप कुछ नहीं जानते हैं, और आप अपनी बारी आने से पहले मेवाड़नाथ के सामने बोलने का, उनके काम में बाधा डालने का तो साहस मत कीजिए। ये ठीक कह रहे हुकुम, हमारी बातें बिना बात के विषय को और बढ़ा देगी। कुंवर प्रताप, जिस अधिकार से आपने अजब दे को हमारे सामने बोलने से रोका है उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप सच जानते हैं। बताइए कुंवर प्रताप, सच क्या है? हमारी और देखिए कुंवर प्रताप, और बताइए कि गोली किसने चलाई है। हास फरियास समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को, जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते, जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है, वो कौन है वो आप बताएंगे हमें। कौन पता बोलिए कुंवर प्रताप, अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए, हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। बोलिए कुंवर प्रताप, किसने चलाई गोली? आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगवाल, कुंवर जगवाल। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक।